सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेथी की रेसिपी एक बनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही फ्रेश मेथी मैंने अच्छे से इसे पाँच मतलब मिट्टी लगी हुई थी तो 4-7-5 पानी में इसे अच्छे से धो लिया है। इसे अब बारीक बारीक कट करूँगी, चल रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा आज की रेसिपी कैसी लग रही है। मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ आप लोग देखना वीडियो में। बहुत सिंपल से छोटी सी रेसिपी है तो मेथी की है, तो इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है, आप लोगों को पता ही है। मैं बनाने जा रहे हैं मेथी का पराठा। इसे मैंने धो लिया, चल रहे बारीक बारीक कट करेंगे। और इसके लिए मैंने क्या क्या लिया आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लहसुन है, मिर्ची है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है और जीरा है। इसे क्रश कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, जैसे आपको करना है उसी तरह से मैं पीस लूँगी। पहले चलते हैं मेथी को कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है, तो आपको जितना चाहिए उतना कट कर लीजिए। मैंने आधा यहाँ निकाल के रख दिया है, फिर कभी सब्जी वगैरह बन जाएगा। तो मैं जा रही हूँ अब मैं इसे पीसने के लिए। जीरा, लहसुन, मिर्ची और जो अदरक लिया है इसे मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने पीस लिया है, हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि अभी आटा गूंदने में आसान मतलब ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो इसमें चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं डाल देती हूँ आटा को, अपना जितना है उस हिसाब से आटा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। अब मैं डाल देती हूँ हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, जो है ये जो मैंने पीसा हुआ है इसे। डाल के फ्रेंड्स पहले मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। पहले इसे खूब अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसका आटा जो है डो है तैयार करते हैं। मेरी आवाज़ स्लो जा रही है शायद से, मेरी सर्दी जा ही नहीं रही है फ्रेंड्स, क्या करूँ। इसे खूब दोनों हाथों से मतलब मस्त मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार मार के हम आटा तैयार करेंगे, ज़्यादा नहीं। पहले इसे भी पानी डाल के ज़्यादा स्टार्टिंग में कर देंगे ना, तो फिर आटा तैयार नहीं होगा बहुत जल्दी, मतलब तो ख़राब होने लग बनेगा ही नहीं आपको मेथी का पराठा। तो ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, फिर तो मसाला इसमें लगाए ताकि वो इसी में आ जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है और एकदम अच्छा से कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह तैयार कीजिए ताकि बनाने में आसानी रहे। देख सकते हैं ना, ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा कड़क है, अच्छा है। तो चलते हैं अब बनाने की तैयारी करते हैं पराठा। तो ले लेती हूँ मैं अपना चकला बेलन, सूखा आटा, और एकदम मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं 5:30 हो चुके हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं। अब मुझे टिफिन बनाना है बेटे के लिए, तो चलो आज यही बनाते हैं। मेथी का पराठा खुश हो जाएगा क्योंकि उसे बहुत पसंद है, तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं ले लेती हूँ तावा। चलिए अब तेल भी निकाल लेते हैं लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बना लेती हूँ पराठा। देखिए छोटा छोटा मैंने ऐसे लोई बना लेना है आप लोगों को।
इसी तरह गोल गोल बेलेंगे। फिर मैं चकले पे नहीं बना रही, चकला निकाली थी फिर रख दी, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा इसलिए। देखिए तब चलते इसे डाल देते हैं तवा पर, यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है प्लेट में, लगा लगा के सेक के इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल लगाकर सेक लेते हैं एक साइड, ऐसा पलट देंगे, जल्दी बनता है। आप लोग मैं सोचे बहुत टाइम लगेगा, बहुत जल्दी बनता है, फटाफट इंस्टेंट तैयार होने वाला रेसिपी है ये। इसी तरह उलट पलट कर दोनों बाजू से सेक लेंगे। आपको ये पराठा चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है। बाकी आगे आपकी मर्जी, सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे बनाइए और खाइए। तो सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं बना लेती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग के साथ, है ना। बाय बाय।